नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए खोल दिया सरकारी खजाना। अब आएंगे 3 किस्तों में खाते में इतने रुपए। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को कितने रुपए सरकार देने जा रही है, उनके खाते में जो मोटा पैसा आएगा वो सरकार कब डालेगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, भगवत मान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की फिर से लागू करने की घोषणा की है। पिछले दिनों ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरना भी दिया था। अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर सकारात्मक खबर जारी की है। सीएम मान ने पिछले शिरोमणि अखिला दल भाजपा प्रदर्शन के कार्यकाल में कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों को जारी करने की घोषणा की थी। पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने हाल ही दिनों में ओपीएस के जो मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर अच्छी खबर जारी कर दी है। पंजाब सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक महंगाई भत्ते की 6% की आगामी किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि इससे राज्य के बजट पर 365 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सीएम ने कहा है कि राज्य के कर्मचारी संघ के प्रदर्शन का अहम हिस्सा है, उनके हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की मुख्य चिंता है। भगवंत मान ने एक ट्वीट के माध्यम से घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा, आज हमने सरकारी कर्मचारी के बकाया महंगाई भत्ते की एक किस्त जारी की है। महंगाई भत्ते का बकाया 6% की तेजी के अनुरूप है। इसे 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक स्वीकार किया गया है, जिसे देश के खजाने पर 365 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय से सरकारी कर्मचारियों द्वारा डीए में बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की जा रही थी। इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि आप सरकार ने पिछली कर्मचारियों को भी कर्ज माफ़ कर दिया था। हाल ही में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारी का कर्ज चुकाने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग की ओर से फाइल सीएम के समक्ष पेश कर दी गई है। सीएम ने फाइल को मंजूरी दी और फाइल को हरी झंडी दे दी। 7-8 साल पुराने महंगाई भत्ते की घोषणा से कर्मचारियों को बड़ी ही खुशी मिली है। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है। सरकार द्वारा पिछले साल मार्च में घोषित महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि 1 जनवरी से प्रभाव में आई थी। केंद्रीय कर्मचारी का डीए भी सितंबर में बढ़ने की संभावना है और इसकी शुरुआत 1 जुलाई से हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।